Hello friends, welcome to Divyabha Creativity Zone. Thank you so much for all of your support and love. इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि बच्चों के स्कूल बैग को हम कैसे साफ करेंगे जो बहुत ही गंदे हो जाते हैं और बच्चों के स्कूल बैग काफ़ी गंदे होते हैं तो उनको साफ करना बहुत ही टफ टास्क होता है लेकिन हम उसे आसान तरीके से कैसे साफ करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और इस घंटी पे क्लिक करना ना भूलें। बच्चों का स्कूल बैग साफ करने के लिए हम एक मग में पानी लेंगे, वन बाउल पानी लेंगे। उसमें हम 4 से 5 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और उतना ही डिटर्जेंट डालेंगे। कपड़े धोने का कोई भी डिटर्जेंट आप यूज़ कर सकते हैं या लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिर हम विनेगर डालेंगे, 4 से 5 चम्मच विनेगर डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा फेन आएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा और विनेगर मिलते हैं तो रिएक्शन होता है। अभी मिक्सचर हमने बनाया था बेकिंग सोडा विनेगर डिटर्जेंट का, उसको हम इसमें डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, आधा बाल्टी पानी भरेंगे। आपका बैग की नीड के अकॉर्डिंग है, आपका बैग चाहे जैसा है, आप इससे स्कूल बैग भी साफ़ कर सकते हैं, आप इससे ट्रैवलिंग बैग भी साफ़ कर सकते हैं, कॉलेज के बैग भी साफ़ कर सकते हैं। अब इसमें हम स्कूल बैग डिप करेंगे, स्कूल बैग को पूरी तरह से पानी में डिप होना है। ये देखिए और काफ़ी फेन भी है, झाग भी है, तो झाग में पूरी तरह से स्कूल बैग को डिप करना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बैग हल्का होता है तो वो बार बार ऊपर आ जाता है। इसको हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे और आधे घंटे भिगने के बाद हमको बैग को बाहर निकालना है। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सारी गंदगी छूट जाएगी, बट आपको हल्का सा उसमें ब्रश लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा। हाँ, बेकिंग सोडा और विनेगर के मिक्सचर में इसको डिबोने से जो जितने भी दाग हैं वो बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा रगड़ने और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो वाइट वाला पोर्शन है वो काफ़ी साफ़ हो गया है, शाइन करने लगा है, और उसके नीचे का पोर्शन जहाँ पर काफ़ी स्पॉट थे, डर्टी स्पॉट्स थे, वो साफ़ हो गए हैं। फिर इसे हम अच्छी तरह पानी से धुलेंगे 3-4 बार। तो आप देख सकते हैं इसको फिर हम धूप में फैला देंगे सूखने के लिए। और ये देखिए जो जहाँ पे काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स थे वो काफ़ी साइन करने लगा है स्कूल बैग। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी गंदा था, ये देखिए बच्चे जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ पे भी काफ़ी गंदा था। तो ये देखिए बैग काफ़ी साफ़ हो गया है। तो ये था मेरा वीडियो स्कूल बैग साफ़ करने के तरीके पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। थैंक यू।